ये कहानी है बिरजू के इकलौते बेटे जुगनू की। बिरजू एक किसान था जिसके अपने खेत थे। अक्सर गांव में गाड़ी में घूमने वाले लोगों को देखकर बिरजू सोचा करता था, मेरे जग्गू को ऐसी ही गाड़ियों में घूमना चाहिए। वो पढ़ेगा, लिखेगा और बड़ा अफसर बनेगा और ऐसी ही बड़ी गाड़ियों में घूमेगा। इसी आशा के साथ बिरजू रोज जग्गू को स्कूल छोड़ने जाया करता था। लेकिन जग्गू तो जग्गू था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। अक्सर टीचर उसे क्लास के बाहर मुर्गा बनाया करते थे। पता नहीं पिताजी मुझे रोज स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, और यहाँ टीचर मुझे हमेशा मुर्गा ही बनाते हैं। जग्गू हर साल फेल हो जाया करता था और फिर बिरजू बैठ से उसकी अच्छे से पिटाई किया करता था। पिताजी नहीं नहीं, मैं अगली बार पास हो जाऊंगा। नहीं पिताजी। अक्सर जग्गू की पिटाई करने के बाद बिरजू को खुद ही बुरा लगता था, लेकिन वो करे भी तो क्या। ऐसा करते करते जग्गू 15 साल का हो गया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जग्गू आगे पढ़ाई लिखाई कर पाएगा। वो पिछले 4 साल से 6ठी कक्षा में फेल हो रहा है, इसलिए अब उसके आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं भी हार गया हूँ इस लड़के से। सोचा था पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन नहीं, लगता नहीं है कि बड़ा बनना इसकी किस्मत में लिखा है। दोनों निराश होकर स्कूल से निकल गए। अगले दिन सुबह सुबह बिरजू ने जग्गू को उठाया। अरे ओ लाट साहब, उठ जाओ, आज से तू मेरे साथ खेतों में काम करेगा। लेकिन पिताजी। लेकिन वैकिन कुछ नहीं, तू पढ़ नहीं पाया, अब कम से कम खेती करना सीख ले, वरना भूखा मरेगा। सुबह सुबह पिताजी की डांट सुनकर जग्गू का मुंह फूल गया। वो अपने पिताजी के साथ खेत गया और वहाँ बिरजू से खेत का काम सिखाने लगा। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रोज जग्गू मुंह फुलाकर अपने बाबा के साथ खेत पहुँच जाया करता था। एक दिन बिरजू के खेत में उसका बड़ा भाई भोला आया। ताया जी, ताया जी। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, मेरे लिए क्या लाए? हाँ हाँ, लाया हूँ, दे रहा हूँ। अरे वाह, नई शर्ट। मेरा जग्गू हीरो दिखेगा इसे पहनकर। मैं अभी माँ को बताकर आता हूँ। जग्गू घर की ओर दौड़ पड़ा। भोला और बिरजू बातें करने लगे। और बता, क्या हाल चाल है? सब कुशल मंगल है भाई साहब। अच्छा है। वैसे ये बता, जग्गू खेत में क्या कर रहा है? वो आज स्कूल नहीं गया? अब क्या बताऊं, पिछले 4 साल से 6ठी कक्षा में फेल हो रहा था, तो स्कूल वालों ने निकाल दिया। सोचा था कि ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन इसने सब मिट्टी पलीद कर दी। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं, अभी इसकी उम्र ही क्या है, कुछ ना कुछ सीख ही लेगा। मुझे यकीन है ये तेरा नाम जरूर रोशन करेगा। इसकी छोड़िए, आप बताइए भैया, क्या हाल चाल है आपके? सब मस्त है। क्या तुम जग्गू को मेरे साथ शहर भेजोगे? क्यों भैया? मेरा शहर में गैरेज है और वहाँ मुझे काम वालों की जरूरत है, और इसी बहाने जग्गू कुछ काम भी सीख जाएगा। क्यों नहीं भैया, चलिए घर चलते हैं। दोनों भाई घर पहुँचे। जग्गू की माँ ने अपने जेठ का आशीर्वाद लिया। भाग्यवान जग्गू भैया के साथ शहर जाएगा, वो इसे गाड़ियां बनाना सिखाएंगे। ये बात सुनकर जग्गू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे हमेशा से ही शहर जाना था। कुछ दिनों बाद जग्गू ने अपने माता पिता को अलविदा किया और वो शहर के लिए निकल पड़ा। यहाँ शहर में उसके ताया जी का गैरेज था। जग्गू के ताया जी जग्गू को काम सिखाने लगे। धीरे धीरे जग्गू की गाड़ियों में रुचि बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद, भैया मेरी कार देख लो, बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। हाँ अभी देखता हूँ। जग्गू फटाफट गाड़ियां ठीक करने लगा। ये देख भोला को उस पे बड़ा गर्व था। जग्गू अक्सर एक इंजन पे काम किया करता था। क्या कर रहे हो? मैं ऐसा इंजन बना रहा हूँ जो तेल कम पिए। बहुत अच्छे, मेहनत करते रहो बेटा।
आखिर वो दिन आ गया जब जग्गू का बनाया हुआ इंजन एक गाड़ी में लगाया गया। एक बड़ी कंपनी के निरीक्षक आए, उन्होंने जांच की। ये इंजन बाकी गाड़ियों के इंजन से 50% कम तेल पीता है। ये इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। हे भगवान, जग्गू तुमने तो कर दिखाया। बिरजू को तुम पर बहुत गर्व होगा। यहाँ गांव में बिरजू अपने बेटे को टीवी पर देखकर, अरे भाग्यवान, ये देखो, ये है जग्गू चतुर्वेदी, जिन्होंने एक ऐसे इंजन का निर्माण किया है जो 50% कम तेल पिएगा। इस इंजन से आने वाली मोटर गाड़ियों में एक नई क्रांति आएगी। बिरजू और उसकी पत्नी दोनों भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद जग्गू गांव वापस लौटा और सारे गांव वालों ने उसका सम्मान किया। अब बिरजू की छाती गर्व से चौड़ी हो चुकी थी। उससे लगा था कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ होता है, लेकिन उसके बेटे जग्गू ने साबित कर दिया कि मेहनत और निष्ठा ही सफलता का रास्ता है। रुद्राज कई सालों बाद अपने गांव पहुंचा था अपने दादाजी से मिलने। जैसे ही रुद्र गांव की सरहद पर पहुंचा तो उसका ध्यान पानी के घड़े ले जा रही कुछ औरतों पर पड़ा। अरे ये क्या, इतने साल हो गए अब भी ये औरतें गांव के बाहर ठाकुरों के कुएं से पानी ला रही है। सरकार ने अब तक गांव में पानी नहीं पहुंचाया। वो पानी की समस्या को सोचते सोचते अपने दादाजी के घर पहुंचा। प्रणाम दादाजी। जुग जुग जियो मेरे लाल, बहुत बड़े हो गए हो तुम तो, और आप भी तो बुढ़े हो गए हैं दादाजी। कौन बुढ़ा, अभी तो मैं जवान हूँ, यकीन नहीं होता तो एक दौड़ लगा कर देख ले। ठीक है दादाजी। 60 बरस का हो गया हूँ, लेकिन अब भी पानी के दो दो घड़े कुएं से यहाँ तक ला सकता हूँ, समझा। ये सब तो ठीक है दादाजी, पर अब तक सरकार ने गांव की पानी की समस्या को हल नहीं किया। और तभी गांव के मुखिया उनके घर आते हैं। सरकार कर भी क्या सकती है, ठाकुरों के आगे भला किस सरकारी ऑफिसर की चली है। प्रणाम। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। पर ऐसा क्यों? जब भी कोई सरकारी ऑफिसर गांव में बोरवेल या हैंडपंप लगवाने आता है तो ठाकुर उसके पीछे अपने गुंडे भेज देता है और बेचारे ऑफिसर गांव से दुम दबाकर भाग जाते हैं। पर ये तो गलत है ना? पानी की समस्या के कारण गांव की प्रगति नहीं हो रही, पर ठाकुर चाहता है कि उसका दबदबा हमेशा बना रहे। मुखिया जी, आपने कहा था कि हमारे जो खेत है उसके नीचे सालों पहले पानी मिला था। हाँ मिला तो था, पर फिर ठाकुर ने वहाँ बोरवेल खोदने नहीं दी। अब वो बोरवेल मैं खोदवाऊंगा और हैंडपंप भी लगवाऊंगा, देखता हूँ ठाकुर मेरा क्या करता है। नहीं बेटा, ठाकुर से पंगा लेना अच्छा नहीं है। दादाजी आप ही कहते थे ना, दूसरे की भलाई के लिए उठाया गया हर कदम सही होता है, और आज आप ही मुझे रोक रहे हैं। बात तो तेरी सही है, पर अगर तू दिन दहाड़े बोरवेल का काम करेगा तो ठाकुर को पता चल जाएगा और वो तेरे काम में भी रुकावट डालेगा। मेरे हिसाब से अगर तू रात को अंधेरे में अपना काम करेगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और मैं अपने दोनों बेटों को भी भेज दूंगा तेरी मदद के लिए। ठीक है मुखिया जी, तो ये तय रहा कि हम रात के अंधेरे में बोरवेल खोदेंगे। उसी रात से रुद्र ने अपना काम शुरू कर दिया। मुखिया के दोनों बेटे रुद्र की मदद कर रहे थे, वो तीनों बारी बारी खुदाई करते। देखते ही देखते 15 दिन बीत चुके थे, अब तक उन लोगों को पानी नहीं मिला था। यहाँ पानी है भी या नहीं? भैया मुझे लगता है हमें किसी जानकार से बात कर लेनी चाहिए। मेरी बात मानोगे तो मैं किसी को जानता हूँ जो यहाँ भी पानी की धार पैदा कर सकता है, लेकिन तुम लोग सोचोगे कि मैं अंधविश्वासी हूँ, पर मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे चमत्कार देखे हैं। रुद्र भैया एक बार आजमाने में क्या हर्ज है, शायद इससे हमारा भला ही हो जाए। रवि और किशन रुद्र को जंगल ले गए। वहां एक गुफा में एक साधु साधना में लीन था। जैसे ही तीनों अंदर आए साधु ने अपनी आंखें खोली। मैं तुम लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था,
रुद्र, तुम्हारा संकल्प बहुत अच्छा है। तुम्हारे संकल्प में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। साधु ने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और सामने एक हैंडपंप आ गया। हैंडपंप? किशन, ये कोई मामूली हैंडपंप नहीं है। इससे जैसे ही तुम अपनी खोदी हुई जगह पर लगाओगे तो इससे पानी अवश्य आएगा। और तो और, अगर कोई इसे उखाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बिजली के झटके लगेंगे। अब ठाकुर तुम्हारे गांव में पानी आने से नहीं रोक सकता। तीनों ने साधु का आशीर्वाद लिया और गुफा से बाहर आ गए। वो हैंडपंप लेकर तीनों अपने खेत पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस हैंडपंप को वहां रखा, वो हैंडपंप अपने आप फिट हो गया और उसमें से पानी बहने लगा। ये देखकर तीनों दंग थे, उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आखिर गांव में पानी आ ही गया। मैं अभी सारे गांव वालों को बताता हूँ। रवि दौड़ते हुए गांव वालों को बताने गया। कुछ ही देर में मुखिया, दादाजी और कुछ गांव वाले हैंडपंप के पास पहुंच गए और साथ में ठाकुर भी आया अपने गुंडों के साथ। उखाड़ फेंको ये हैंडपंप। जैसे ही ठाकुर के आदमियों ने हैंडपंप को हाथ लगाया, उन्हें बिजली के झटके लगने लगे। गांव वाले ये देखकर हंस रहे थे। ठाकुर, अब इस हैंडपंप को तुम क्या तुम्हारा बाप भी नहीं उखाड़ सकता। मुखिया और गांव वालों की खुशी देखकर ठाकुर तिलमिला गया और गुस्से में वहां से चला गया। सारे गांव वाले खुश थे और रुद्र का संकल्प पूरा हुआ। आखिर गांव में पानी आ ही गया, जादुई हैंडपंप की वजह से। एक गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी आजीविका चलाता था। जो लकड़ियां श्याम जंगल से काटकर लाता था, वे उसके पिताजी अगले दिन बाजार में बेच दिया करते। एक दिन एक सेठ ने श्याम के पिताजी से कहा, मुझे कल से और ज्यादा लकड़ियां चाहिए। फिर जब श्याम अगले दिन जंगल गया तो उसने सोचा, आज तो जंगल के अंदर तक जाना पड़ेगा, तभी ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी। और ये सोच श्याम जंगल के अंदर तक गया तो उसे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा, जिस पर एक दरवाजा लगा हुआ था और वह चमक रहा था। अरे, ये कैसा पेड़ है जिस पर दरवाजा लगा हुआ है? चल के देखता हूँ आखिर इस दरवाजे के अंदर है क्या। और फिर श्याम ने धीरे से वह दरवाजा खोल दिया। उसमें थोड़ी देर चलने पर देखा कि वहां तो एक पूरा शहर है। वाह, एक पेड़ में इतना बड़ा शहर। और श्याम शहर में घूम ही रहा था कि उसे आवाज आई, बचाओ बचाओ। ये किसकी आवाज है? जब श्याम ने जाकर देखा तो एक गहरे गड्ढे में दो आदमी फंसे हुए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो श्याम ने झट से अपने कमर पर बंधी रस्सी को खोला और गड्ढे में डाल दिया। ये लीजिए, ये रस्सी पकड़कर बाहर आ जाइए। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम कौन हो? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। मैं पेड़ के दरवाजे से आया हूँ। अच्छा, तो तुम जादुई दरवाजे से यहाँ आए हो। वे दरवाजा 10 साल में एक बार ही खुलता है और रात होते ही बंद हो जाता है, इसलिए तुम रात होने से पहले ही यहाँ से चले जाना, नहीं तो 10 साल बाद ही वापस जा पाओगे। ओह, धन्यवाद। तो मुझे अभी चलना चाहिए। और ये कहकर श्याम चलने लगा तो उन व्यक्तियों ने उसे रोका और कहा, रुको, तुमने हमारी मदद की है, ये लो। ये एक जादुई लकड़ी का टुकड़ा है। तुम्हें जब भी लकड़ियों की जरूरत हो तो तुम बस इससे मांगना,
ये तुम्हें दे देगी। वह लकड़ी लेकर श्याम थोड़ा आगे गया ही था कि उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो खांस रहा था। तो श्याम उसके पास गया और बोला, बाबा आपको कोई मदद की जरूरत है? हाँ बेटा, मुझे लकड़ियों की जरूरत है, पर मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए खुद लकड़ियाँ काट नहीं सकता हूँ। तो श्याम ने अपनी जादुई लकड़ी से कहा, ए जादुई लकड़ी, मुझे ढेर सारी लकड़ियाँ दो। और देखते ही देखते बहुत सारी लकड़ियाँ आ गईं और बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ देखकर बहुत खुश हुआ और श्याम को एक थाली देते हुए बोला, ये लो बेटा, ये एक जादुई थाली है, इससे तुम जो भी खाना मांगोगे वे मिल जाएगा। मेरी मदद करने के लिए ये तुम्हारा उपहार है। धन्यवाद, रात होने वाली है इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। फिर श्याम जादुई दरवाजे से वापस जंगल में आ जाता है और रात को जब घर लौटता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा तुम आज कोई लकड़ियां नहीं लाए? पिताजी अब हमें कभी लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं है और अब हमें कभी भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास जादुई लकड़ी और थाली हैं। फिर श्याम ने अपनी जादुई लकड़ी से कहा, ए जादुई लकड़ी, मुझे लकड़ियां दो। तो ढेर सारी लकड़ियां उसके सामने प्रकट हो गई। फिर श्याम ने अपनी जादुई थाली से कहा, ए जादुई थाली, मुझे खाना दो। और श्याम के इस कहते ही वह थाली स्वादिष्ट पकवान से भर गई। ये पाकर दोनों बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो इस कहानी की सीख ये है कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, इसका फल हमेशा अच्छा होता है।